बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साल 2024 के लिए भारतीय खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया है, सालाना सैलरी की घोषणा कर दी है कि आखिर भारतीय खिलाड़ियों को बोर्ड से इस साल 2024 में कितने कितने करोड़ की सैलरी मिल रही है। साथ ही साथ मैच फीस की भी अनाउंसमेंट कर दी है बीसीसीआई ने कि टेस्ट मैच खेलने पर कितने करोड़ दिए जाएंगे, ओडीआई और टी20 मैच खेलने पर कितने कितने पैसे दिए जाएंगे खिलाड़ियों को। तो आपको सबसे पहले बता दें कि बीसीसीआई ने चार अलग अलग कैटेगरी अनाउंस किया है, जहां ग्रेड ए प्लस, जबकि ग्रेड बी और ग्रेड सी, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग खिलाड़ियों को रखा गया है। अब ग्रेड ए प्लस खिलाड़ियों को 7 करोड़ पर ईयर मिलेंगे बीसीसीआई से, जबकि ग्रेड ए में रहने वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़ बीसीसीआई से मिलेंगे इस साल 2024 में, जबकि ग्रेड बी में रहने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ पर ईयर मिलेंगे बीसीसीआई से। तो वहीं ग्रेड सी में रहने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ सालाना सैलरी मिलेगी बीसीसीआई से। अब इसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बड़ी बड़ी चेंजेस हुई हैं, हैरान करने वाला फैसला लिया गया है, जहां ईशान किशन और सरास अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने की वजह से। तो वहीं जितेंद्र पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया है फ्यूचर प्लान को देखते हुए। कुछ इस तरह से बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 के लिए, जहां ग्रेड ए प्लस में 4 भारतीय खिलाड़ियों को रखा गया है। ग्रेड ए प्लस में रहने वाले खिलाड़ियों को पर ईयर 7 करोड़ 20 लाख से मिलेंगे। अब ग्रेड ए प्लस में रोहित शर्मा है, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। तो वहीं ग्रेड ए में 6 भारतीय खिलाड़ियों को रखा गया, जिसमें नाम रविचंद्रन अश्विन का है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या हैं। अब ग्रेड ए में रहने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख से इस साल पर ईयर 5 करोड़ मिलेंगे। तो वहीं ग्रेड बी में कुल 5 भारतीय खिलाड़ियों को रखा गया, जिसमें नाम सूर्य कुमार यादव का है, ऋषभ पंत का है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल का। अब ग्रेड बी में रहने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई से इस साल 2024 में 3 करोड़ मिलेगा पर ईयर। बात करें ग्रेड सी की, तो ग्रेड सी में कुल 15 भारतीय खिलाड़ियों को रखा गया है, जिसमें नाम रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, रितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, के एस भरत और प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान और रजत पाटीदार को रखा गया है ग्रेड सी में, जहां ग्रेड सी में रहने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बीसीसीआई से पर ईयर 1 करोड़ मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि सिलेक्टर्स के रिकमेंडेशन से बीसीसीआई ने कुछ और खिलाड़ियों को ग्रेड सी में रखा गया है, जिसमें स्पेशल तेज गेंदबाज हैं। तो ग्रेड सी में जो एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को रखा गया उनके नाम कुछ इस तरह से हैं, आकाशदीप, विजय कुमार विशक, उमरैन मलिक, यास दयाल और विद्युत केरोप्पा। वहीं साल 2024 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बीसीसीआई ने एक नया नियम लागू किया है। अब अगर कोई भी भारतीय खिलाड़ी 3 टेस्ट मैच भारत के लिए अगर खेल लेता है तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसे ग्रेड सी में रखा जाएगा, यानी कि उसे 1 करोड़ पर ईयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा बीसीसीआई से। वहीं अगर कोई भी भारतीय खिलाड़ी 8 ओडीआई मैच या फिर 10 टी20 मुकाबला भी खेल लेता है तब भी उसे बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसे ग्रेड सी में रखा जाएगा ऑटोमेटिकली 1 करोड़ पर ईयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में ध्रुव चोरेल, जबकि सरफराज खान जो अब तक भारत के लिए 2 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं, तो ऐसे में जब भी ये दोनों ही खिलाड़ी 3रा टेस्ट मैच भारत के लिए खेल लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएंगे और इन्हें ग्रेड सी में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये थी बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बात करें मैच फीस की, क्या आखिर भारतीय खिलाड़ियों को एक मैच खेलने पर कितने कितने पैसे दिए जाएंगे टेस्ट ओडीआई और टी20 फॉर्मेट में। तो उससे पहले, अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट, सबसे पहले हर एक न्यूज अपडेट्स और वीडियोस, जबकि डेली ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में मुफ्त में पाना चाहते हैं तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स तो अनाउंस कर दिया है भारतीय खिलाड़ियों का, साथ ही साथ मैच फीस की भी अनाउंसमेंट कर दी है। अब अगर कोई भी भारतीय खिलाड़ी एक टेस्ट मुकाबला खेलता है तो एक टेस्ट मैच खेलने पर जो उसे मैच फीस दी जाएगी वो 15 लाख रुपए है, जबकि एक ओडीआई मुकाबला खेलने पर भारत की तरफ से 6 लाख रुपए उसकी मैच फीस है, जबकि एक टी20 मुकाबला खेलने पर भारतीय खिलाड़ियों की मैच फीस 3 लाख रुपए है। तो सबसे ज्यादा डिमांड टेस्ट फॉर्मेट की है, जहां एक टेस्ट मैच खेलने पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, चाहे कोई भी खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में हो या फिर ना हो।